अब कुछ दिन बीत चुके थे और ये कुछ दिन में हमारे श्यान बैंक कुछ दोस्ती के करीब पहुंच चुके थे। हाँ, हमारा वांगजी अभी भी यहाँ का प्रिंस था और हमारा मोशांशु अभी केवल उसी का एक डिसिपल था। और क्योंकि अभी उनकी टीचिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी और ना ही कोई नाइट हंट, इसीलिए अभी ना मोशांशु को कोई काम था और ना ही हमारे वांगजी को, क्योंकि अभी भी उसकी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी। क्योंकि अंकल ने कहा था कि इस बार काफ़ी सारे राजकुमार फांगजी की उम्र के हैं या थोड़े उसे बड़े हैं या छोटे हैं, इसलिए वो सभी गेस्ट राजकुमारों के साथ ही वो अपनी क्लासेस को लेगा और अपने डिसिपल्स को उसी के साथ ट्रेन करेगा और ख़ुद भी उनके साथ ही स्टडी करेगा, ताकि इससे उसके डिसिपल्स और उसका भी थोड़ा एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़े। इसीलिए उसके अंकल ने कहा था, फांगजी को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी भी बड़े छोटे अल्फ़ा ओमेगा बीटा किंग क्वीन या सर्वेंट में इसमें कभी भी कोई अंतर नहीं किया था, इसीलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ भी पढ़ने से। उसे केवल मतलब है तो अपनी नाइट हंट से, अपने बीजन से, अपने गग से और अंकल की डांट से, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका डेली सुबह का काम यही रहता है, रोज़ सुबह उठता है और रोज़ कॉपी करता है, क्योंकि उसे हमेशा अक्सर उसे पनिशमेंट मिल ही जाती है। और ये बात वो भी जानता है कि उसके अंकल उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चाहे जितनी भी बड़ी शरारतें कर ले, बट उसे हमेशा पनिशमेंट तो रूल कॉपी करने की मिलती है, इसीलिए वो अक्सर ढेर सारी रूल कॉपी पहले ही करके रखता है, ताकि जैसे उसे पनिशमेंट मिले और कहा जाए कि तुम्हें जब तक ये फिनिश नहीं कर सकते इस पनिशमेंट को, तुम कहीं और जा नहीं सकते, इसीलिए वो पहले से ही लिख कर ये सब चीज़ें रखता है, क्योंकि उसे पता है वो शरारतें बंद कर नहीं सकता और उसके अंकल मजबूरी में ही सही बट उसे पनिशमेंट दिए बिना वो रुक नहीं सकते, इसीलिए ताकि उसके अंकल को भी बुरा ना लगे और उसका भी काम होता रहे, इसीलिए वो रोज़ सुबह उठकर ये काम कर लेता है। और इससे अगर दिन में वो कोई भी शरारतें करता है तो एटलीस्ट उसके पास रूल्स कॉपी करने के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास तो पहले से ही रखा रहता है। आज भी ऐसा ही कुछ था। आज भी सुबह सुबह वांगजी उठता है, मेडिटेशन करता है, ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद चुपचाप जाके लाइब्रेरी में बैठ जाता है। कुछ 2-3 घंटे करीब वो अपने रूल्स को कॉपी करता है। उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, उसने 2-3 घंटे में एटलीस्ट 4 से 5 बार उन 3000 रूल्स को लिख लिया था। और वो बड़े आराम से उस रूल्स को लिख लेने के बाद उठता है और वो चुपचाप वहाँ से अपने डिसिपल्स यानी कि उस कॉटेज में चला जाता है जहाँ पर उसके डिसिपल्स रहते हैं, और वहाँ पर वो चुपचाप उन सब के पास जाकर बैठ जाता है। वो सब भी इंतज़ार करते हैं कि कब हंगविंग जुन आए, क्योंकि जैसा उसका नाम है द ग्रेट हंगविंग जुन लाइट बियरिंग लॉर्ड, वो सबके लिए मतलब कुसू के बाहर वो एक कोल्ड हार्टेड फेस इंसान है, बट कुसू में जो रहता है, जो उसे जानते हैं, उसके लिए वो सबसे क्यूटेस्ट सबसे प्यारा ओमेगा है, और इसीलिए बाकी सब अल्फ़ा उसे एडमायर करते हैं, क्योंकि एक अल्फ़ा एक ओमेगा होने के बाद भी वो अपने गगा से बिल्कुल भी कम नहीं है, वो अपने गगा की तरह ही लैन हुआन की तरह ही इस पूरे क्लैन को संभालता है। अगर लैन हुआन को कभी काम हो और वो बाहर जाए तो वांगजी ही पूरे क्लैन को संभालता है, और वो भी उतनी ही अच्छी तरीके से, भले वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है तो क्या हुआ, बट वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक ओमेगा है इसलिए उसे रिस्पॉन्सिबल बनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा केयरिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए बाकी सभी ओमेगास अल्फ़ा बीटा उसे एडमायर करते हैं। और आज भी जब वांगजी उनसे मिलने आया था, उनसे बातें करने आया था, उनसे बैठकर वो घंटों बातें करता है, उनके बारे में जानता है, वो क्या करते हैं ये जानता है, क्योंकि उसके पास फ़िलहाल करने के लिए तो कोई काम नहीं है और उसने बहुत दिन से कोई शरारत भी नहीं की है ताकि उसे पनिशमेंट मिल सके, इसीलिए वो यहाँ आया था बातें करने के लिए। यहाँ पर कुछ डिसिपल्स बहुत पुराने हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं, काफ़ी अच्छे वाले फ्रेंड्स बन चुके हैं, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बातें करता है बैठ के, वो 2-3 घंटा बातें कर रहा था। आज वो देखता है कि आज इन सभी डिसिपल में एक डिसिपल कम है, मोशांशु अक्सर उसे बातें नहीं करता है, वो दूर खड़ा रहता है जहाँ पर ये सब गैदर होके बातें करते हैं, वो एक प्यारा सा कह लीजिए छोटा सा गार्डन है उसी के बाहर वहाँ बैठकर,
वो हमेशा वहाँ आता तो नहीं है, बट हाँ दूर से अपने कमरे के बालकनी से वो उन सबको देखता है। बट आज तो वो वहाँ भी नहीं आया। वो सोच रहा था कि आखिर आज उसे क्या हो गया, और तब वो पूछता है उसके रूममेट से जो उसके बगल में ही रहता है कि आज मुँह शौन चुका है, आज वो देख नहीं रहा। तो फिर वो पर्सन कहता है कि हंग वंगजुन, आपको तो पता है ना वो कितना ज़्यादा अजीब है, उससे पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, कभी कभी वो अक्सर रातों में ना जाने कहाँ रहता है, रात में खाना नहीं खाता है और अक्सर पता नहीं कहाँ चला जाता है, और दिन में भी बहुत सुबह सुबह कहीं निकल जाएगा, फिर शाम में आएगा, फिर वो खाना बहुत स्किप करता है, वो प्रॉपर ना मील लेता है और ना खाना खाता है, और ना जाने वो कहाँ रहता है। अक्सर तो वो अपने कमरे में बंद रहता है या बाहर रहता है, वो हमसे ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। ठीक है, तो अभी वो कहाँ होगा? हमें लगता है कि वो पहाड़ों पे होगा, जंगल में। ठीक है, अब तुम लोग बैठ के अपना काम कर लो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने खरगोशों के पास जा रहा हूँ। वैसे हंग वंगजुन, क्या आपको क्लैन लीडर लैन या महागुरु लैन आपको इसके लिए पनिशमेंट नहीं देते? पांग जी हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो खरगोश तो खुद अंकल ने ही मेरे लाया था। हाँ तब क्या, सब हैरान होकर से देख रहे थे इसलिए उसने कहा। तब डिसिपल कहते हैं, ठीक है हंग वंगजुन, आप जाइए और हमें भी अब रेस्ट करना है, क्योंकि अब कल से ही सारे राजकुमार आने लगेंगे और 2 दिन बाद से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी है। और फिर हमें इतनी सारी क्लासेस मार्शल आर्ट की, स्वॉट की, तलवारबाजी की, फिर बहुत सारी चीज़ों की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आपको तो अच्छा है, आप हमें सिखाएंगे तो एटलीस्ट आपको करना नहीं पड़ेगा, बट हमें तो एक ही चीज़ 1000 बार करनी पड़ेगी। हाँ, सब मुँह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम लोग तो ऐसे बात करो जैसे मैंने कभी किया ही नहीं, जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी पनिशमेंट मिलती थी और मैं तो एक ही चीज़ को 500 बार करता था। तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम लोग ऐसे करो जैसे हंग वंगजुन अपनी मम्मा के पेट में से सब कुछ सीख के आए थे। वो ऐसा कहकर मुँह बनाते मम्मा से चला जाता है और फिर वो वहाँ से अपने खरगोशों के पास आता है और वो देखता है कि वहाँ पर ही मुँह शौचु है, वो उसके खरगोशों के साथ खेल रहा है। वांग जी को देखते ही एक खरगोश उसके पास चला जाता है और वांग जी उस खरगोश को लेकर मुँह शौचु के पास ही आके बैठ जाता है। वांग जी को वहाँ देख कर मुँह शौचु उसे ग्रीट करता है और वांग जी भी उसे ग्रीट करता है और वांग जी कहता है, तुम्हें मेरी खरगोश इतने पसंद है कि तुम इंसानों से ज़्यादा इन खरगोशों के साथ रहते हो? मोशांशु हंसते हुए कहता है, शायद हाँ, इंसान इन खरगोशों की तरह नहीं होते, ये खरगोश किसी को उसके रूप से, रंग से, जाति से, वो क्या है, अल्फा है, ओमेगा है, उसे जज नहीं करते, ये सबको उतना ही प्यार करते हैं और इसीलिए मुझे ये खरगोश उन इंसानों से ज़्यादा प्यारे हैं। वो इंसान जिसके पास फ़ायदा देखते हैं उसके पास रहना पसंद करते हैं, उसके पास जाना पसंद करते हैं, बट ये खरगोश नहीं, ये तो बहुत प्यारे हैं, ये मासूम है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें तो अगर ये भी नहीं पता कि इन्हें कौन पकड़ता है, अगर कोई इन्हें मारना चाहे, इन्हें खाना चाहे तब भी ये उसके पास प्यार से रहते हैं, और ये तो बहुत ही प्यारे हैं, मासूम हैं, इंसानों की तरह नहीं जो हमेशा हर एक बात पर किसी ना किसी को हर्ट करना चाहते हैं, कि हमेशा सबसे अपना फ़ायदा देखते हैं। मुशांशु की ये बातें बहुत ही गहरी थी, डीप थी, उसने बहुत कुछ कह दिया था इन बातों में, वो कैसे सोसाइटी वर्क करती है वो कुछ बातों में ही उसे बता दिया था। वांग जी से समझता है, हाँ उसने कभी भी खुलकर इन बातों पर किसी से बातें नहीं की, केयर नहीं की, बट वो हमेशा फील करता है कि जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है और जब वो सारी अल्फा को हरा कर उसमें जीतता है तो सब उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं, कुछ अल्फा तो उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि आखिर यू मेरा ऐसा क्यों है, और कभी कभी तो उसे बहुत ही पूरी तरीके से हर्ट भी करना चाहता है। ये सोसाइटी के बारे में वो अच्छे से जानता है, वो प्रिंस है, इस सोसाइटी से वो कैसे दूर रह सकता है, वो जानता है इनकी गंदी नियति को, वो कैसे एक दूसरे के पर कितने सारे चाल चलते हैं ताकि वो हरा सके, जीत सके। वांग जी शांत हो गया था, अतः मोशांशु उन्हें देखते हुए कहता है, वैसे हंग वंगजुन आप शांत अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब मैं शांत अच्छा नहीं लगता? आप जब प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना तब आप बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हें मुझे फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे फ्लर्ट कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं ओमेगा नहीं हूँ? और क्या तुम अल्फा नहीं हो? क्या आप चाहती हो मैं आपसे फ्लर्ट करूँ? नहीं, मतलब वो शांशु हंसते हुए कहता है,
वैसे कल सारे राजकुमार आने वाले हैं यहाँ पे ना, तो क्या सारी तैयारियाँ हो गई हैं? हाँ, तैयारी तो बहुत ही पहले से स्टार्ट थी, वो सब हो चुका है। सभी राजकुमारों के लिए उनके लिए अलग एक कॉटेज उन्हें मिल चुका है और वो सब वहीं रहेंगे। वैसे क्या वेन क्लैन के भी राजकुमार यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए? हाँ, इस बार ये सब भी आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, हर बार तो वो नहीं आते हैं। इनफैक्ट वो अपनी क्लैन से कोई भेजते भी नहीं, बट इस बार वहाँ के खुद दोनों राजकुमार आ रहे हैं। तो फिर मोश ऑन्चू कहता है, वैसे राजकुमार बुरा मत मानिएगा, बट मैंने काफ़ी सारी अफवाहें सुनी हैं। क्या आप, मैं उनके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ? अब तो हम फ्रेंड्स भी हैं ना। वांग जी कहते हैं, फ्रेंड्स तो हैं, बट देखो जो मैं सच सच फील करूँगा मैं वही बताऊँगा, मैं झूठ झूठ नहीं बोलूँगा। वैसे भी झूठ बोलना मना है। मोशन से हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, वैसे क्या आप सच में राजकुमार विभूषण से प्यार करते हैं? क्या आपने केवल उनके ही ओमेगा बनना चाहा है, किसी और का नहीं? कांची खरगोश के साथ अभी भी उसे अपने हाथ में लेकर सहला रहा था, प्यार कर रहा था, और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सच बताऊँ तो मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है। वो कैसा दिखता है, वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? जब अपने पेरेंट्स के साथ वो भी कहीं खो गया, गायब हो गया, लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है, बट सच बताओ ना तो मेरा दिल कहता है कि नहीं, वो यहीं है, शायद बहुत आसपास है, करीब है। बचपन से ही मैंने एक ही चीज़ अपनी मम्मा से सुना, अपने बाबा से सुना, अपने भाई से, यहाँ तक कि अंकल से सुना कि विभूषण मेरा अल्फ़ा है, बीइंग मेरा अल्फ़ा है। तो तुम ही बताओ, बचपन से लेकर आज तक, जब तक ये बात पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, मैंने उसे अपना अल्फा मान लिया था, और अब कोई चाहता है कि मैं बस सडनली ये कह दूँ कि नहीं, मैं किसी और को एक्सेप्ट कर लूँ अपनी अल्फा की तरह, तो मैं कैसे करूँ? बचपन से जिसे मैंने अपना अल्फा माना है, मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसी को अपना अल्फा मानूँगा, उसी को अपना अल्फा बनाऊँगा। मैं कभी भी किसी और से प्यार नहीं करना चाहता, किसी और का नहीं होना चाहता। तो फिर वहाँ पर लैन हुआन आते हैं और फिर वो दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं, और तब लैन हुआन भी उन खरगोशों के पास ही उन दोनों के पास बैठ जाते हैं, और वो अपने वांग जी के सर को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? हाँ, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं साफ साफ हर एक लैन को लेटर लिख के कह दूँगा कि तुम्हारे लिए रेड स्क्रोल भेजना बंद करें, क्योंकि मेरे भाई को ये पसंद नहीं है। वांग जी खुश हो जाता है, कहते हैं, सच में गगा आप ऐसा कर सकते हो? वान हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मेरे वांग जी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई, इतनी छोटी सी चीज़ उसका गगा नहीं कर सकता उसके लिए? हाँ, वांग जी खुश हो जाता है और अपने खरगोश को छोड़ के सीधे अपने गगा को ही हक कर लेता है। और तब वान हंसते हुए कहते हैं, तो ये इसका मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तुम्हें अल्फा नहीं चाहिए? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे अल्फा चाहिए, मैं ज़रूर चाहूँगा, बट मुझे विंग चाहिए, मैं किसी और को नहीं चाहता। पर तुमने तो देखा ही नहीं कि विंग दिखता कैसे? हाँ, मैंने नहीं देखा, बट मुझे विंग ही चाहिए। वांग जी, ये कैसी जिद है तुम्हारी? वो शंशु इन दोनों प्यारे प्यारे भाइयों को देख के मुस्कुरा रहा था, और तब भुआन उसे देखते हुए कहते हैं, तो वो शंशु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो शंशु कहता है, माफ़ कीजिए क्लैनेट लान, बट राजकुमार लान कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। बचपन से उन्हें ये बताया गया है कि वो किसी और को बिलोंग करते हैं, वो किसी से प्यार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उन्हें कभी अलाउड नहीं था किसी और से बातें करना, किसी और को प्यार करना। और अब आप लोग अचानक से उन्हें कहें कि नहीं, आप तुम इसी से प्यार करो, क्या ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल गलत है ना, उनके डिसीजंस का डिसरिस्पेक्ट करना हुआ। और यहाँ तो लैंग क्लैन का रोल है कि हमें हमेशा हर एक के डिसीज़न को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना कि हम क्लैन लीडर लैन के डिसीज़न को रिस्पेक्ट देते हैं। तो फिर ये तो खुद राजकुमार लान है, सेकंड जेट ऑफ गोसू है, अगर ये नहीं चाहते तो हम इनकी शादी भी रोक भी तो सकते हैं ना। वैसे भी राजकुमार अभी बड़े ही कितना हुए हैं, इनके पास तो भी बहुत समय है शादी करने के लिए, अल्फा पसंद करने के लिए। ज़रूरी नहीं है ना कि हम इन्हें फोर्स करें किसी से शादी करने के लिए। वैसे भी आपके अंकल भी तो अनमैरिड है ना, वो भी अगर हंगबिंग जिन चाहे तो वो भी तो वैसे रह सकते हैं ना, आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर होगी तो आप उन्हें दूर कहीं और रख सकते हैं। इस पर लैनवन गुस्से में कहते हैं, मुझे अपने भाई से कभी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मूशान से कहता है, तब बात ही ख़त्म। हंगबंग जी नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ कर जाए, रीज़न ये है। फांगजी की तरफ देखते हैं हुआन, और फांगजी अपने सर को नीचे कर लेता है, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो ऐसे। तब हुआन उसके सर को पैटिंग करते हुए कहते हैं, बस सच बताओ। तो फिर फांगजी अपने सर को ऊपर करता है, उसके आंखों में आंसू थे, और वो हुआन को हक कर लेता है, कहता है, ये गगस सही है, मैंने बचपन से लेकर आज तक मम्मा से, बाबा से, आपसे, अंकल से प्यार किया है, मैं किसी और से क्यों प्यार करूं, मेरे लिए आप काफ़ी हो। आपका अगर ओमेगा आ गया तो मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा, बट मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता गगा, मैं नहीं जानता कि वो विंग कैसा है कैसा नहीं है, अल्फा कैसे होते हैं, मैं नहीं चाहता मैं किसी और के पास जाऊँ, मैं आपको छोड़ कर जाऊँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ आपके पास, मैं आपको हमेशा से हक करके रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मैं किसी और का हूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं हमेशा विंग से शादी करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं आपके पास रह सकता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। फिर से कहकर हुआन को और टाइटली हक कर लेता है। हुआन शायद इस फीलिंग को फांगजी के कभी समझ ही नहीं पाए, वो जानते थे कि उसका भाई ज़िद्दी है, वो दूसरे से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा ये रीज़न देता था, बट आज रियल रीज़न जानकर उनका भी दिल भर आया था, उनकी आंखें नम हो गई थी, आंसू से भर गई थी, वो अपने भाई से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये सच है, वो किसी अल्फा को ऐसे ही अपनी जान के टुकड़े को दे नहीं सकते, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। और तब वहाँ से वो शान से उठ कर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी इन दोनों भाइयों को टाइम की ज़रूरत है। फांग जी रोते हुए कहता है, गगा मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगा, मैं हमेशा यहीं रहूँगा, अगर आप मुझे परेशान हो गए तब भी मैं यहीं रहूँगा। भगवान उसकी आँखों को आंसू को पोछते हुए कहते हैं, पागल हो क्या, तुमसे कभी मैं परेशान हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, तुम तो जान हो इस गुस्सू की, एक तुम ही तो जो लगता है कि ज़िंदा है, वरना तो यहाँ सब मरे हुए लोग ही लगते हैं, सिर्फ अपने आप से मतलब, एक तुम ही तो जिसने गुस्सू को जिंदा रखा है अभी तक। गगा मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, और आप भी मुझे नहीं भेजोगे। हाँ वांग जी, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, और मैं खुद सभी राजकुमार को कहूँगा कि मेरे वांग जी से दूर रहेंगे, है ना। वांग जी कहता है हाँ, और तब वांग जी कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना है। क्या वांग जी, अब तुम एक साल की बेबी की तरह बिहेव कर रहे हो, चलो चुपचाप मेरे साथ चलो, मेरे को मदद करना है तुम्हारे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ गो, अब फिर मुझे राइटिंग कराओगे। वांग जी तुम इतनी सुंदर लिखते हो, थोड़ा लिख लो मेरे लिए। हाँ ठीक है ठीक है। और फिर वो दोनों ही भाई वहाँ से चले जाते हैं। मोशांशु एक पेड़ के पीछे छुपा कर ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पे स्माइल थी, पता नहीं क्यों, बट इस इंसान को वो पढ़ लेता है, शायद फांग जी खुली किताब की तरह है, जो एक बार पढ़ना चाहे वो हर एक इमोशन को पढ़ लेता है। मोशांशु को मिले हुए दिन ही कितने हुए, बट आज उसने फांग जी की उन फीलिंग्स को पढ़ लिया जो शायद लैनवन कभी पढ़ नहीं पाए, और ये यही चीज़ लैनवर अपने मन में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर ये मोशांशु कैसे उनके भाई को पढ़ लिया, कितना दिन ही हुए हैं उन दोनों को मिले हुए, बट फिर भी उसने उसके दिल को पढ़ लिया, जो उसके ट्रू इमोशन से, रियल फीलिंग से, उसके नखरों के बीच में उसे ढूंढ लिया। क्या ये सच में उसके भाई के लिए एक परफेक्ट जीवन साथी हो सकता है, क्या वो उसका लाइफ पार्टनर बन सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई कहीं गलत हाथों में जाए, मुझे पता है एक दिन उसे शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि ये दुनिया शायद एक ओमेगा के लिए बहुत बुरी है, क्रूअल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई सेफ रहे। अगर मोशांशु उसके लिए परफेक्ट है तो मैं खुद उसकी शादी कराऊँगा, चाहे वो किसी क्लैन का राजकुमार हो या ना हो, अगर मेरे भाई उसके साथ खुश है, कम्फर्टेबल है, तो फिर वैसा ही होगा जैसा फांगजी चाहेगा। वैसा कहकर मुस्कुराते हुए फांगजी के साथ अपने हांची में चले आते हैं, और फिर वो दोनों ही भाई बैठकर पूरी रात तक अपने काम को करते रहते हैं। और यहाँ मोशांशु भी चुपचाप वहाँ से फांगजी और लैनवान के जाने के बाद अपने कॉटेज में चला आता है। और अब नाइट टाइम हो गया था, यानी डिनर का,
वो दोनों ही भाई आज अपने कमरे में ही खाते हैं। दोनों ने अपनी क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हुए क्यूटली खाते, और लैन हुआ ने हमारे प्यारे से वांगजी के लिए चिली ऑयल्स पिला दिए थे। उन्होंने छुपा कर अपने हांसी में से रखा था, और वांगजी देख के गिगल करते हुए कहता है, और लगता है क्लैन लीडर लान को अपने ही बनाए हुए क्लैन के रूल्स को मानना पसंद नहीं है। मैं अंकल से शिकायत करूँगा। तो फिर हुआन मुंह बनाते हुए कहते, ठीक है तो फिर तुम्हें वही बोरिंग खाना खाना होगा, सोच लो फ़ायदा और घाटा क्या क्या है। वांगजी उस चिली ऑयल को लेते हुए कहते, कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, ना जाने तो ये अच्छा है। वैसे कहकर दोनों भाई मुस्कुराते हैं और आराम से बैठकर में खाना खाते हैं। उसके बाद वांगजी अपने गगा को एकदम टाइटली हग करके उनके साथ सो जाता है। और अब नेक्स्ट दिन का सीन। अब सारे क्लैन के राजकुमार, राजकुमारियाँ, बीटा, अल्फा, ओमेगा, जिन जो भी यहाँ अपनी ग्रेजुएशन, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहते हैं, वो यहाँ एक एक करके आने लगे हैं। और आज सुबह से ही हमारे हुआनग और हमारे लैंडमार्क से गेट पर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है वो दोनों ही क्लैन के उत्तराधिकारी हैं और लीडर हैं। और वो सब जो आ रहे हैं वो कई छोटे क्लैन के कोई सर्वेंट्स या कोई और नहीं है, वो बड़े बड़े क्लैंस के राजकुमार हैं। सो उनका स्वागत करने के लिए एटलीस्ट किसी को तो वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, और इसलिए सुबह से ही सबसे पहले नी क्लैन से हमारे नी मिंजे, नी होए सांग, और हमारे नी मिंजे की और होए सांग की एक छोटी बहन नी शू वहाँ आती है, और वो तीनों का ही स्वागत करते हैं। हमारे नी मिंजे और लैन वान सोन ब्रदर्स हैं, और इसलिए बचपन से ही वांगजी और नी होए सांग भी अच्छे दोस्त हैं। वैसे तो नी होए सांग एक एल्फा है, बट हाँ वो वांगजी को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि वो वांगजी से एक साल बड़ा है। वो अपने छोटे भाई की तरह और बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। वो हमेशा से ही वांगजी के साथ बड़ा हुआ है, खेलते हुए, खाते हुए, उसे परेशान करते हुए और उससे परेशान होते हुए। और उन तीनों के बाद वहाँ पर हमारे जियांग क्लैन की एंट्री होती है। वहाँ पर सबसे पहले जियांग क्लैन की सबसे बड़ी डॉटर वहाँ पर जियांग यानली आती है, जो कि एक बीटा है। और फिर वहाँ पर जियांग वायन आते हैं, जो कि एक ओमेगा है, और क्लैन लीडर जियांग के सेकेंड सन है। और वहाँ पर उनके साथ वो अपने कुछ सर्वेंट्स को भी लाए थे, या कह लीजिए अपने गार्ड्स को। और फिर वहाँ उनकी एंट्री होती है, एंड उसके बाद हमारे जियांग क्लैन के जाने के बाद वहाँ पर हमारे जिन क्लैन की एंट्री होती है, वहाँ से चार लोग आए थे। सबसे पहले है जिन जिशुआन, फिर जिन जिशुन, फिर उन दोनों की बहन मैम्या, जिन मैम्या, और तीसरे हैं, चौथे हैं जिन मैंग्याओ। वैसे तो ये जिन टाइटल उन्हें ऑफिशियली मिला नहीं है, बट क्योंकि वो हमारे जिन गोंगशा के इलेजिमेट चाइल्ड है, इसीलिए हमारे जिन जिशुन और जिन जिशुआन वो दोनों ही एल्फा हैं, हमारी मैम्या एक ओमेगा हैं, और हमारे मैंग्याओ वो एक बीटा हैं। और उन सब के बाद ये सब को होते होते दोपहर हो गई थी, और अब दोपहर के बाद सब थोड़ी देर के लिए वांगजी और हमारे लैन सीजन थोड़े थक जाते, क्योंकि वो लोग सुबह से स्वागत करने में सबके लिए जुटे हुए थे, लगे हुए थे, सो वो थक गए थे। सो वो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं था कि अभी दोनों क्लैंस, बाकी सब क्लैंस कब आने वाले हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई उन्हें दिख नहीं रहा था, मतलब इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं आई थी कोई क्लैंस की आने की, इसीलिए वो लोग चले जाते हैं अपने क्वार्टर्स में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। और फिर शाम हो जाती है, और अब हमारे वहाँ पर हमारे पास, हमारे लैन हुआन के पास, उनके पास एक सर्वेंट आता है, और जो कहता है कि उन्हें लैन लीडर लान को महागुरु लान बुला रहे हैं। तो फिर और फिर वहाँ पर दूसरा सर्वेंट आता है, कहता है कि वेन क्लैन से और वी क्लैन से वहाँ पर उनके राजकुमार आने वाले हैं। और तब फांगजी अपने गगो की तरफ देखता है और कहता है, गगो आप जाइए अंकल के पास, मैं उन सबका स्वागत कर लूँगा। तो हुआन कहते हैं, वांगजी वेन क्लैन आ रही है। तो फिर वांगजी कहता है, गगो वो आ रही है तो क्या, क्या यहाँ पे सर्वेंट्स नहीं है, और वैसे भी आपका भाई कमज़ोर नहीं है, वो कोई फूल सी ओमेगा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग हैंगबन जुन है,
समझे? हाँ हाँ मैं समझा, पर हाँ उसे पीट मत देना, मैं ये कह रहा हूँ मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तुम्हारी नहीं। हाँ तो फिर सही है, बचकर तो वेंच चाओ को रहना चाहिए और वेंच शो को, वरना मैं उसे पीट दूँगा तो मैं नहीं जाता। हाँ हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ उसे पीटना नहीं, खामखा लड़ाई हो जाएगी दोनों क्लास के बीच में। अच्छा ठीक है मैं कंट्रोल करूँगा, पहले अगर उसने कुछ कहा तो मैं चुप रहूँगा, बट दूसरी बार कहा तो उसका मुंह फोड़ दूँगा। अच्छा बाबा ठीक है जाओ। और फिर वांगची वहाँ से चला जाता है, और तब हमारे हुआन अपने अंकल से मिलने के लिए चले जाते हैं, बट रास्ते में वो हमें प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो, वरना दोनों ही क्लास के बीच में लड़ाई हो जाएगी और खामखा वांगची को बीच में पिसना पड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं अपने अंकल से मिलने के लिए, और वांगची यहाँ पर उनके स्वागत के लिए चला आता है। वो गेट पर खड़ा था और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पर वी क्लैन के राजकुमार आए हैं। हाँ यहाँ पर हमारे विंग के यानी कि वी क्लैन के पहले किंग के दो बेटे थे, एक वी चांद से और उनके एक छोटे भाई भी थे, और ये जो है राजकुमार वो उन्हीं के छोटे भाई के बेटे हैं। सो करेंटली क्योंकि वी चांद से और विंग जो राजा थे वो दोनों ही का कोई अता पता नहीं है, इसीलिए उस गद्दी को उसके छोटे भाई ने संभाल लें, और क्योंकि उनके छोटे भाई यहाँ के किंग हैं सो ये वो भी फ़िलहाल के लिए वी क्लैन का राजकुमार है।